आप इस मैच लास्ट के टाइम पे फोर फिनिश के चक्कर में आप फर्स्ट के रह जाते हैं। बिल्कुल सर, रुपये जी यहाँ पे फर्स्ट के रह चुके हैं। अब सर्कल में आना इनके लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि सिक्स सर्कल यहाँ पे बात करें तो डैमेज एंड आपके पास, अगर मैं बोलूँ ऑप्शन है कि आपके पास फोर फिनिश है, आपके पास सर्कल है, तो बिल्कुल से यहाँ पे ऑप्शन वाइज यहाँ पे क्या बेटर हो सकता है? ओके सो अभी तो फाइनल सर्कल में अगर आपके पास अच्छा खासा यू कैन से कवर है तो उसको बिल्कुल भी ना छोड़ो। अगर व्हीकल है जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो रिवेंज कलेक्शन ने ट्राई जरूर करा था वो जो कवर है अंदर लाने की, बट यहाँ से तो आपको गिव अप ही करना पड़ेगा बिकॉज लिटरली मीरामर में इट इज अ डेथ जोन। अगर आप ऐसे जोन की बात करते हो आप हील बैटल कर सकते हो, यू कैन स्टिल ट्राई दैट। आप अगर एक्स्ट्रा 15 सेकंड भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे 15 सेकंड अगर आप गिनोगे तो वो 7 की जगह आपको 4 नजर आएगा। सो इवेंचुअली आपको प्लेसमेंट पॉइंट बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे एक्सो इमोर्टल मरते हुए नजर आएंगे थोड़ी देर में, बट यहाँ पे ही गॉट दैट नॉक। बट अब देखते हैं कितना ज्यादा वो किल पॉइंट्स निकाल पाएंगे बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा स्मोक बॉल बना लिया था। स्मोक की पाथिंग यहाँ पे अच्छी खासी बनाई है इमोर्टल ने। FNLS की K47 अभी भी ट्राई करे, स्कारल के सिंगल टैप ही मारने पड़ेंगे यहाँ से, तो कोई ऐसा बुलेट कनेक्शन देखने को मिलेगा स्प्रे के द्वारा। बट लेट्स सी, वहाँ पे दलजीत है लेफ्ट हैंड साइड से, कार 98 के शॉट पड़ते हुए नजर आ सकते हैं, लेवल 2 का लड़के मर सकते हैं बिकॉज जोन मूव इन करना स्टार्ट कर चुका है। बिल्कुल, यहाँ पे प्लानिंग की बात करें तो आईएमआईडी का बिल्कुल प्लान है कि फिनिश पॉइंट ना देखते हुए हम लोग बने चेकआउट यानी एक फिनिश की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल ये अच्छी सोच है। सर्कल की बात करें, एक अच्छा स्पेस ले लिए, मानो सामने से किन्हीं को इंटर नहीं देना चाहते हैं। बैक साइड पे बोल सकते हैं कि बैक साइड ना, उसके लिए एक प्लेयर को वहां पे तैनात किया गया है। तो आईडी बिल्कुल अपने गेम यहाँ पे दिखाते हुए, अब इनको मौका मिला तो ये बिल्कुल उभर के आए हैं। और सामने FNLS के बिल्कुल यहाँ पे निकल स्नैच की बात करें, क्योंकि स्प्रे के सामने अपने आप को लेके आ चुके थे K47, लेकिन संभाल लिया गया। कवर्स की बात करें, काफी ज्यादा ओपन हो चुके थे स्नैच, थोड़ा पीछे हटके एक अच्छी हाइट भी इनको मिल चुका है, कवर से मिल चुका है, तो मौका मिला है यहाँ पे आंटी को। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक फिनिश पॉइंट की तरफ अपने आपको या फिर चिकन तक के तरफ लेके जाते हैं। 3 फिनिश पॉइंट रहेगा आंटी के पास, लेकिन स्नैक्स की बात करें डैमेज काफी ज्यादा अपने आपको कर लेते हैं। पीछे से स्प्रे आ जाती है, डैमेज एंड पाली कवर में जाने से पहले एक बुलेट का कनेक्शन देखने को मिलता है, नॉकआउट कर दिया गया। स्मोक की बात करें, ट्राई कर रहे हैं लेकिन अब यहाँ पे बिखरना स्टार्ट हो चुके, क्योंकि आतंकी यूके सॉल्टर को इस मैच से बाहर कर दिया गया। IYD के कैरी भी फिलहाल यहाँ पे प्रोन करके अपने आप को रखे हैं, और नंबर हैं के पास फिनिश पॉइंट पे पिछले 2 मैचेस की बात की जाए तो IYD बिल्कुल बोल सकते हैं एक अलग गेम दिखा रहे हैं। ये चीजें थोड़ी और पहले से होती तो शायद कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन एक अच्छा फिनिश यहाँ पे दे रहे हैं। FNLS का बात करें, ग्रेनेड के साथ सफर समाप्त होते हैं, टॉप 4 तक ही अपने आप अपना जगह बना पाए, बट अभी 3 टीम्स के बीच में बैटल फॉर द फिनिश चिकन डिनर थर्ड इन्विटेशनल का ये आखिरी मैच होने वाला है, और डिसाइडर चिकन इन टीम्स के बीच। बिल्कुल, और फाइट यहाँ पे जरूर चलती हुई नजर आ रही है, इट विल बी इंटरेस्टिंग वन। अच्छा खासा वे आउट अपने लिए बनाया है टीम IYD ने, अच्छा हिल क्लाइंब करा है, एरिया अच्छा क्लियर करा है। 3 प्लेयर IND के खत्म कर चुके हैं वो, बट दलजीत आखिरी प्लेयर बचे हैं, क्या क्लच पोजिशन में रहेंगे वहां पे। बट MGZ की फाइट यहाँ पे हो सकती है वापस से दलजीत सैंडविच पोजिशन में अगेन। अब क्या वो टीम IYD की फाइट अगर हो सकती है MGZ का तो दलजीत शायद सेंटर से बच के निकल सकते हैं। बट ओके यहाँ पे यस फाइट एंगेज हो चुकी है ऑलरेडी, जॉर्डन ने पहली गोली निकाल दी अपनी गन से। बाकी फाइनल सर्कल है, टॉप 3 टीम्स हमारे पास बची हुई है, लेट्स सी किस तरीके से अब ये जो काउंटर अटैक है MGZ का स्क्वाड संभालेगा। यहाँ पे दलजीत को पूरा फिनिश कर दिया गया है कैरी 69 के द्वारा, 8 किल्स कैरी के पास हो चुके हैं आउट ऑफ 17 किल्स, और अगर ये पूरा मैच निकाल के चले गए तो टीम IYD के पास 20 किल चिकन डिनर हो सकता है। एंड यहाँ से MGZ सूर्या के पास एक मोलोटोव फेंका गया सूर्या के द्वारा ही, सो क्या कनेक्ट होगा वहां पे अभी भी देखना पड़ेगा। बट 75 HP वहां पे है सूर्या के पास, तो कोई भी कनेक्शन वहां पे देखने को मिला नहीं अभी। बट स्किल्स वो ऊपर जाने की और कोशिश कर रहे हैं अपने बग्गी के द्वारा, बट उनकी बग्गी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बॉस डाउन हो चुकी है। बट कैरी 69 थोड़ा सा ओपन में क्राउच करके हील करते हुए नजर आया तो उन्हें टेक डाउन करा। सो तीन प्लेयर यहाँ पे नजर जरूर आए जो IYD के अभी भी जिंदा है। बिकॉज यहाँ पे बात करें तो IYD के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, इस मौके को यहाँ पे गंवाना बिल्कुल यहाँ पे नहीं अच्छा रहेंगे। इस मैच को अपने साथ लेके चले गए तो फिनिश के साथ इनको पोजीशन पॉइंट जो मिलेगा वो पॉइंट्स टेबल पे एक अच्छी यहाँ पे इनको बोल सकते हैं पोस्ट दिला सकते हैं, लेकिन इस बीच में देख पा रहा हूँ कि नंबर यहाँ पे इक्वल कर लिए गए, क्योंकि फिलहाल ये ट्राई की जोड़ी एक साथ है, इसके बाद के बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं, ब्लीड आउट हो रहे हैं, उनको बचाना नामुमकिन रहेगा यहाँ से। नंबर इक्वल करने के बाद अगर आप पोजिशनिंग देखो, फिलहाल सूर्या बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुके हैं, कैंपर एक लेफ्ट साइड में जा चुके हैं, सेंटर से यहाँ पे बात करें हाइट रहेगा यहाँ पे जॉर्डन के पास, जिससे एक अच्छी मिड स्प्रे कर सकते हैं। सर्कल का एडवांटेज फिलहाल IYD से जाता हुआ, क्योंकि 21 मीटर इनको आगे जाना पड़ेगा, तो क्या ये मैच जाता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि
इस पॉइंट से मैं बात करूं तो मार्कोस के पास पोजीशन है स्प्लिट बॉम्ब पे, ग्रेनेड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोक्स भी यहाँ पे बात करें तो आईवाईडी की तरफ से यहाँ पे प्लान किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैच फिलहाल एक अच्छी ओपनिंग यहाँ पे दिला चुके हैं। साइको डालकर एक काउंटर अटैक में यहाँ पे कैरी को नॉकआउट किया गया, नंबर वापस यहाँ पे इवेंट कर लेंगे, 2v2 हो चुके हैं, लेकिन एक और स्पॉट मिल जाएगा। हेड चेस की बारी आई, कैरी को फिलहाल वहां पे टेक डाउन कर दिया गया। ये मैच आईवाईडी के ग्रिप से छूटता हुआ लेकिन बैटल बॉर्ड भी करके चल चुका है। इससे बराबरी का, इससे बेटर बराबरी का टक्कर शादी फिलहाल हो, क्योंकि ये अब पीछे बात करें ब्रिज पॉइंट यहाँ पे सिक्योर करें, गेम के मैच से बाहर हो जाते हैं तो वो फिनिश पॉइंट उनके पास रहे, इसका ध्यान रखा गया। बैटल इज 1v1 सूर्या वर्सेस, अगर हम नजर डालें तो पीछे वहां पे दो प्लेयर डाउन है, वो फिनिश पॉइंट अभी तक आईवाईडी को मिल नहीं पाया है। तो ये बैटल बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट बात की जाए तो सूर्या अपने आप को हाइट में लेके आ चुके हैं। मार्कोस के सूर्या वर्सेस आईवाईडी के सूर्या, कौन है असली सूर्या यहाँ पे, बहुत जल्दी से फिलहाल हमें पता चलने वाला है। बिल्कुल, सूर्या वर्सेस सूर्या, एक रिच का फासला है जरूर, बट सर्कल पे जरूर आईवाईडी के जो सूर्या है वो है अब 4 मीटर दूर, 1 मीटर अब जोन के अंदर आ चुके हैं। सो सूर्या को वेट करना चाहिए, इवेंचुअली प्रोन डाउन हो जाओ, आपको पता है सामने प्लेयर है, बट मोलोटोव थ्रोएबल्स के थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। क्राउच इज अ बेटर ऑप्शन, बस वहां से आप थोड़ा सा डिले करा सकते हो फाइट, बट यहाँ पे आपके पास एक अच्छी पोजिशन है, वहां पे ओपन में क्लोज इन करने नहीं देना, बट यहाँ पे वापस से एक रेड आया, ओके अब बचो, वहां पे थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा। सूर्या वापस से अगर एक बुलेट वहां पे कनेक्ट हो जाती है, एक दो बुलेट, तो शायद से कॉन्फिडेंस आ सकता था, बट एनजीजेड सूर्या वो कोशिश कर रहे हैं पूरी, कोई भी राइट साइड लेफ्ट साइड फ्लैंक नहीं है, ये स्ट्रेट 1v1 फाइट है जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, देखते कौन सा प्लेयर यहाँ पे जीत के जाएगा। ऊपर से वो भी पीक दे रहे हैं, नीचे से ये भी पीक दे रहे हैं, एक मोलेटो का वापस से ट्राई करा है, क्या कनेक्ट होगा वहां पे, ओके लेट्स सी। अभी भी सूर्या को कोई करेक्ट कनेक्शन देखने को नहीं मिला है। सो 20वें किल के लिए यहाँ पे टीम आईवाईडी लड़ रही है, एमजीजेड का स्क्वाड देयर आल्सो गोइंग स्ट्रांग, बट देखते किसका पेशेंस का जो बांध है यहाँ पे पहले टूटता है। मेरे को लग रहा है आईवाईडी के जो सूर्या वो थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, बट 8वां जोन क्लोज इन होने वाला है, 9वें जोन के बाद तो हम लोगों को पता है क्या देखने को मिलता है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ। बट अभी 1 मीटर और आगे जाना है यहाँ पे सूर्या को, तो वो अगले जोन में भी आ जाएंगे। बट ड्रोन शॉट अगर आप देखना चाहते हो तो देर इज अ ब्यूटीफुल व्यू जो आप ऊपर से लगेगा, अरे दोनों प्लेयर तो फ्लैट लाइन में बैठे हुए, बट जैसे आप नीचे जाओगे तो एक रिज देखने को मिलेगी जो दोनों के दोनों प्लेयर्स अपने लिए एज अ कवर बना के बैठे हुए। बट गाइस 29 मिनट हो चुके हैं स्टार्ट, और अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो थग इन्विटेशन वाला टूर्नामेंट तो आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो इनविट थग को ऑफिशियली लोको पे। बिल्कुल सर, इस चीज का बिल्कुल से आप ध्यान रखना, वो जरूर से करना। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि अगर हम बात करें तो मार्कोस के मेंबर नॉकआउट होके ऊपर एक बोल सकते हैं हाइट एडवांटेज में नॉक थे, लेकिन यहाँ पे बात करें तो सूर्या की पोजीशन कंटिन्यू रिवील की गई जिसके कारण वो मॉली आते चले गए, थोबल का पूरा इस्तेमाल किया गया, एक्चुअल पोजीशन पता है। बात की बात करें तो सूर्या का, मार्कोस के सूर्या का वो बोल सकते हैं जिस तरीके से आपने यूज किया था कि बांध टूट चुका, यहाँ पे जो तो टूटा कनेक्शन मिलेगा, आईवाईडी की टीम रहेंगे।